देखो सरफेस एनर्जी क्या चीज है। सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट ऐसे आया, इमेजिन करो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये रहे आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो टॉप के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहे, ये वाले मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये मॉलिक्यूल्स को जब मैंने यहां पे रखा और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आ गई, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी से ये मॉलिक्यूल थोड़े से नीचे चले गए यहां पे, ठीक है, यहां पे नीचे चले गए। क्यों नीचे गए? क्योंकि लिक्विड ने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को खींचा, एयर नहीं खींच पाई। एक नेचुरल फिनोमेन है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, अपने आप प्योर है। पानी ने पानी के मॉलिक्यूल को खींचा और नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स आ गए और स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया, जाके अपने आप ही हो रहा है। अब मैंने डिसाइड किया इन मॉलिक्यूल्स को जो नीचे आ चुके हैं, इन मॉलिक्यूल्स को उठा के मैं कहाँ रख दूंगा? वापस ऊपर। सभी मॉलिक्यूल्स को उठा के वापस उसी जगह पे रखूंगा जहां पर ये ऑलरेडी थे। अब देखो नेचर के अगेंस्ट काम हो रहा है। जब जब नेचर के अगेंस्ट काम हुआ वो अपने आप कभी नहीं हुआ। नेचर चाहती है कि पानी के मॉलिक्यूल नीचे आए, पर आपने जबरदस्ती क्या किया, उन्हें उठा के नीचे से ऊपर रख दिया, तो ये अपने आप नहीं हो सकता था। ऐसा करने में आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट नेचर। पत्थर चाहता है वो नीचे जाए, पर आप पत्थर को ऊपर लेके जा रहे हैं, वर्क डन करना पड़ेगा। पत्थर के केस में आपका वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली आपने इसको उठा के ऊपर रखने में क्या किया? वर्क डन। और आपका वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है? अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की फोर्स क्या चाहती है? सारे मॉलिक्यूल नीचे आए, पर आपको फोर्स कहां लगानी पड़ेगी? ऊपर। तो आपको ऐसा करने के लिए इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन और वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो आप वर्क डन करेंगे ये स्टोर हो जाएगी उन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी की फॉर्म में। जब आप फोर्स लगानी बंद करेंगे और छोड़ देंगे मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल फिर नीचे आ जाएंगे। तो मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूल के पास क्या स्टोर थी नीचे आने के लिए? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहां तक? अब देखो दो एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी थी वो ये दी थी कि ये मॉलिक्यूल इसलिए नीचे आए क्योंकि इनके ऊपर नेट फोर्स कहां लगी? नीचे। वो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर्स है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? ये मॉलिक्यूल इसलिए नीचे आए क्योंकि ये अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? कम, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों स्टोर हुई? क्योंकि मैंने उल्टा काम कर दिया और मॉलिक्यूल को ऊपर उठा के रख दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ा? अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। तो जो मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया वो स्टोर हो गया उन मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आप जब उन्हें छोड़ेंगे तो एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे ये मॉलिक्यूल्स और अपने आप को क्या करेंगे? स्टेबल, इसलिए ये नीचे आए। तो एक्सप्लेनेशन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर है यहां तक? तो जो मैंने वर्क डन किया वो स्टोर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी का नाम है सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी कहां स्टोर होती है? सरफेस के मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, तो इसका नाम है सरफेस एनर्जी। ये देखो तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस क्या होती है? लिक्विड और वाटर के मॉलिक्यूल की सरफेस को फ्री सरफेस बोलते हैं। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेसेस मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स हैज टू बी ब्रॉट फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस। आपने उन्होंने मॉलिक्यूल्स ने क्या किया था? वो मॉलिक्यूल नीचे आ गए थे, अपने एरिया को उन्होंने कम कर लिया। आप चाहते हैं मॉलिक्यूल्स का एरिया बढ़ जाए, तो उनको नीचे से उठा के ऊपर लाना पड़ेगा सरफेस में। जब आप नीचे से ऊपर लेके आएंगे वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सरफेस टेंशन क्या कर रही है? मॉलिक्यूल को नीचे खींच रही है, और आप क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। सो मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव एक्स्ट्रा एनर्जी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर। तो भाई इन मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो ये क्या करेंगे? ये मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे और स्टेबल होंगे और नीचे आएंगे। ये एक्सप्लेनेशन नीचे आने की। तो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है सरफेस ऑफ द फिल्म, सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल के पास पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में वो मॉलिक्यूल हैं कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो ये याद करें सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो लिखें सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मैंने क्या किया? ये वर्क डन किसने किया? ये मैंने किया।
और मेरे वर्क डन ने क्या किया, सरफेस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो इसमें सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन है, सरफेस एनर्जी निकलती कैसे है।